दोस्तों, इस दुनिया में एक शब्द ऐसा है जिसके मायने सबके लिए अलग अलग है, और वो शब्द है खूबसूरती। किसी के लिए अच्छी आंखें खूबसूरती है, तो किसी के लिए जिंदा दिली खूबसूरती है। कोई किसी की बातों से उसे खूबसूरत समझता है, तो कोई किसी के पहनावे से। और बदकिस्मती से भारत जैसे देश में तो लोग इंसानों के रंग से उसकी खूबसूरती के पैरामीटर को नापते हैं। खैर, आपके लिए खूबसूरती के मायने चाहे जो हो, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके लिए जो चीज खूबसूरत हो वो सामने वाले के लिए भी हो। और इसी चीज का एग्जाम्पल देने हमारी आज की वीडियो आई है, जहां पर हम आपको कुछ ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं जो किसी के भी होश उड़ा कर रख देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। अपातनी, अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। आज जब हम बिल्कुल अलग तरह की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पक्की है कि इसमें भारत का नाम आना ही है। ऐसे में चलिए हम भारत के अरुणाचल प्रदेश में मौजूद अपातनी नाम के कबीले के लोगों से आपको मिलवाते हैं, जहां पर महिलाओं के लिए खूबसूरती का मतलब कुछ और ही है। क्योंकि आज के समय में जहां लड़कियां अपनी नाक में हल्का सा छेद करवाने को भी ओल्ड फैशन कहती हैं, वहीं इस ट्राइब की महिलाएं अपनी नाक के दोनों साइड में बड़ा सा होल करके उसमें नोज प्लग्स पहनती है, और उनके साथ ही उनके माथे पर एक टैटू बनाया जाता है जो कि एक लंबी सी लाइन होती है। और इस तरह के शानदार कॉम्बिनेशन के साथ ये आसपास के सभी कबीलों से बिल्कुल अलग और खूबसूरत दिखती है। नोज जॉब्स, ईरान। अगर आपका ध्यान भारत के अपातनी कबीले की महिलाओं से हट गया हो, तो जरा आप ईरान में रहने वाले लोगों की नाक के बारे में सुन लीजिए, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा नोज सर्जरी करवाई जाती है। क्योंकि यहाँ की महिलाओं का ऐसा मानना है कि उनकी नाक परफेक्ट दिखनी चाहिए, जो उनके अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है। और हाँ, ऐसा सिर्फ महिलाओं का मानना नहीं है, बल्कि यहाँ के पुरुष भी अपनी नाक की सर्जरी करवाते हैं, क्योंकि वो भी यही मानते हैं कि अगर आपकी नाक का शेप सही रहेगा तो आपके पास धन और समृद्धि के रास्ते बढ़ जाएंगे। ऐसे में आप ईरान में अगर जाएंगे तो अधिकतर लोगों की नाक में पट्टी बंधी हुई आपको मिल जाएगी, जिससे साफ पता चलता है कि वहां पर उन्होंने सर्जरी करवाई है। अब ईरान के लोग चाहे जो माने, पर हमें तो नहीं लगता कि केवल नाक का अच्छा शेप ही धन और समृद्धि का रास्ता बना सकता है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। ऑजिट्स रेड पीस्ट, हिम्बा, नामीबिया। आज के समय में जहां रेसिज्म के ऊपर हर तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं ताकि लोग रंग भेद करना छोड़ दें, ऐसे में अब तो ब्लैक को भी ब्यूटी माना जा रहा है। और माना क्या जा रहा है दोस्तों, रंग से तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काला हो या गोरा, पर तब क्या हो जब किसी का कलर ना काला हो ना ही गोरा बल्कि लाल हो। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका में रहने वाला हिम्बा ट्राइब्स के लोगों को देखकर हमें पूरा यकीन है कि आप भी हमारी तरह हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस ट्राइब के लोग एक ऑजिट्स नाम के रेड पेस्ट को बनाकर तैयार करते हैं, जिसे अपने बालों और पूरे शरीर में लगाते हैं। ऐसा मानना है कि ये रेड पेस्ट एक क्लीजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो इन्हें सूरज की रोशनी से प्रोटेक्ट करके रखता है। इसे बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, जहां मिट्टी और उसके साथ कई सारी चीजें मिलाकर इसे तैयार किया जाता है, और जो महिलाएं इसे कैरी करती हैं, उनमें एक अलग ही खूबसूरती दिखाई देती है। याएबा, जहां एक तरफ लाखों करोड़ों लोग डेंटिस्ट की मोटी मोटी फीस देकर अपने दांतों को ठीक करवाते हैं ताकि वो एक बेहतर स्माइल पा सके, वहीं जापान में एक अलग ही ट्रेंड चलता है, जहां लड़कियां अपने आगे के दांतों को ऊपर उठाकर नुकीला बनाने की शौकीन है, ठीक वैसे ही जैसे वैम्पायर्स के दांत होते हैं। अब आप बोलेंगे, ये भला किस तरह की खूबसूरती हुई? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इस कॉन्सेप्ट को याएबा के नाम से जाना जाता है, जहां इस तरह के दांतों को ये लोग काफी क्यूट समझते हैं। और ऐसा होने के पीछे की जो वजह है वो सिर्फ इतनी है कि जापान के लोग नेचुरल ब्यूटी पर ज्यादा फोकस करते हैं, और इसीलिए इन्हें परफेक्शन जैसी चीजें काफी दिखावटी लगती है। अब जो भी हो, हमें तो जापान की थिंकिंग काफी पसंद आई है, जहां वो लोग अच्छे खासे दांतों को भी खराब करने में तुले हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो नॉर्मल लग सके। लिप प्लेट्स, इथोपिया। अब जो चीज आप देखने वाले हैं, उसे शायद ही आप लोगों ने कभी देखा होगा, और खूबसूरत कहना तो दूर की बात है, क्योंकि इस तरह के लोअर लिप में एक प्लेट डालकर इतना बड़ा करना काफी दर्दनाक दिखता है। लेकिन इथोपिया में इसे एक ब्यूटी स्टैंडर्ड की तरह लिया जाता है, और यहाँ की ट्राइबल महिलाएं इसी से जानी जाती है। यहाँ की महिलाएं अपनी शादी से पहले इस तरह की लकड़ी से बनी प्लेट अपने लोअर लिप में इस तरह से फिट करती है कि उनका लिप बढ़ना शुरू हो जाए, और समय के बढ़ने के साथ अपनी प्लेट का साइज भी बढ़ाना शुरू कर देती हैं, जिससे एक समय में उनके लोअर लिप पूरी तरह से बड़े हो चुके होते हैं।
जैसे कि आप इस वीडियो में इन महिलाओं के होठों को देख सकते हैं। उसके साथ ही ये अपने सर में भी बाल नहीं रखती हैं, बल्कि इनका सर पूरी तरह से गंजा होता है, बस बीच में बालों की एक लेयर दिखाई देती है और इन्हीं चीजों को यहाँ के लोग खूबसूरत मानते हैं। वैसे दोस्तों, अगर बात ब्यूटी की हो ही रही है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए खूबसूरती के सही मायने क्या है। आपका जो कुछ भी जवाब हो वो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे साथ साथ हमारे सभी व्यूवर्स भी आपका जवाब पढ़ना चाहेंगे। नेक रिंग्स म्यांमार। अगर आपको लिप प्लेट्स काफी अलग किस्म का ब्यूटी स्टैंडर्ड लग रहा हो तो आपका इस नेक रिंग के बारे में क्या कहना है, क्योंकि दोस्तों आप भले ही इसे पेनफुल या फिर अजीब कह लें, लेकिन म्यांमार में तो इसे एक ब्यूटी स्टैंडर्ड की तरह लिया जाता है, जहां पर बचपन से ही यानी कि 2 साल की छोटी सी उम्र में ही महिलाओं को गले में एक तरह की रिंग पहना दी जाती है, और जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, उनके गले में रिंग का नंबर बढ़ता जाता है ताकि उनकी गर्दन और ज्यादा लंबी होती चली जाए। हालांकि शुरुआत में तो रिंग गर्दन में यूं अटक जाती है, लेकिन बाद में ये पूरी तरह से परमानेंट सेट हो जाती है, जिसके बाद अगर रिंग निकाली गई तो काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि गर्दन इस रिंग के सहारे लंबी होने की वजह से काफी कमजोर भी हो जाती है। ऐसे में बिना सहारे के उसका मूवमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से सफोकेशन के कारण डेथ की भी संभावनाएं हैं। इसीलिए यहाँ की महिलाएं 2 साल की उम्र से लेकर मरते दम तक इस रिंग को अपने साथ ही पहने रहती हैं। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने दोस्त और होस्ट सैम की वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहे। टीथ चिजलिंग। अच्छा दोस्तों, चलिए बताइए, तब क्या हो जब बिना एनेस्थेसिया दिए आपका डेंटिस्ट आपके दांतों का शेप बदलने लग जाए, वो भी हथौड़े और हथियारों की मदद से। सुनने में आपको डर लग रहा होगा ना, लेकिन हम आपको बता दें, इथोपिया के इस कबीले में ऐसी चीजें की जाती है ताकि वहां के लोगों के दांत जानवरों की तरह बिल्कुल शार्प कर दिए जाएं, ताकि उनकी खूबसूरती और निखर आए। ऐसे में दोस्तों, हम तो आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे, क्या आपके भी एक आधे दांत शार्प हैं? अगर हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि शायद आपके लिए वो खूबसूरती ना हो, लेकिन इथोपिया में रहने वाले इस कबीले के लिए आप काफी ज्यादा खूबसूरत माने जाएंगे। और तो और, यहाँ के लोग इस चीज को स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़कर देखते हैं। फैट फार्म्स मॉरिटेनिया। अच्छा, क्या आप भी ये समझते हैं कि जीरो फिगर लड़कियों को सूट करता है और वो मॉडल की तरह दिखती है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो हम आपको बता दें, आपकी सोच मॉरिटेनिया के रहने वाले लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलती, क्योंकि वहां के लोगों का ये सोचना है कि जो लड़कियां हेल्दी और गोलमटोल होती हैं उन्हें खूबसूरत माना जाता है, और इसीलिए लड़कियों को फैट फार्म्स भेजा जाता है, जहां पर उन्हें 16,000 कैलोरीज का फूड खिलाया जाता है ताकि वो मोटी हो सके और उनकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए बिना किसी लेन देन के। ऐसे में अगर आप में से कोई थोड़ा बहुत भी हेल्दी है तो ये मत सोचिएगा कि आप खूबसूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि आपके आसपास रहने वाले लोगों का नजरिया ही सही नहीं है। मोको कुआउ और चिन टटोइंग मोरी, न्यूजीलैंड। अब आप न्यूजीलैंड के इस ब्यूटी स्टैंडर्ड को देखिए, जहां पर मैरिड वुमेन अपने चिन पर टैटू बनवाती है ताकि वो और ज्यादा खूबसूरत लग सके। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के मोरी में इस तरह की बहुत सी महिलाएं मौजूद हैं जो अपने चिन में शादी के बाद टैटू बनवाती हैं, और ये भी कहा जाता है कि जिस टैटू की डिजाइन जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी वो उतना ही ज्यादा अनोखा और सुंदर माना जाएगा। ऐसे में ब्यूटी डायरेक्ट उस महिला की खूबसूरती के साथ जोड़ी जाती है, और हम आपको बता दें, इस तरह चिन में टैटू बनवाना सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल भी है, जहां पर इस टैटू को ये लोग अपनी असली आइडेंटिटी के तौर पर लेते हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस टैटू को बनाने के लिए ये लोग नेचुरल टूल्स और डाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। स्कैरिफिकेशन डिंका, सुडान। दोस्तों, आप सुडान के इस रिचुअल के बारे में सुनकर वाकई हैरान हो जाएंगे, और शायद ही कभी कोई इस चीज को खूबसूरती मान सकता है, क्योंकि भले ही सुडान के लोगों के लिए ये रिचुअल उनकी खूबसूरती का एक हिस्सा है, पर हमें तो नहीं लगता कि इतना दर्द सहने के बाद कोई नेचुरल तरीके से खूबसूरत होता होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्कैरिफिकेशन के जरिए किसी भी नुकीली चीज जैसे कि ब्लेड या फिर लोहे के नुकीले हिस्से से बॉडी में स्कार्स बनाए जाते हैं, और ये अधिकतर टीनेज के समय में लड़कियों और लड़कों के शरीर में बनाए जाते हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस तरह के स्कार्स बनाते समय इंसान रो भी नहीं सकता, क्योंकि उसे बुजदली की निशानी माना जाता है। अब हमें तो नहीं लगता कि दर्द होने पर रोना भी किसी तरह का गुनाह है, पर इस तरह के अजीब से रिचुअल किसी को खूबसूरत बना सकते हैं, ये आज हमने पहली बार सुना है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। धन्यवाद।